हेलो दोस्तों, मिथिकल क्रिएचर्स की सीरीज में आज हम जानेंगे एक ऐसे ब्रिलियंट क्रिएचर को जो ओरिजिनली तो पर्शियन माइथोलॉजी को बिलोंग करता है बट है बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस, जिसका नाम है सिमुर्ग द लेजेंडरी पर्शियन बर्ड। आज हम इसी क्रिएचर को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सिमुर्ग पर्शियन माइथोलॉजी का प्रोफेटिक लेजेंडरी बर्ड है जो ट्री ऑफ नॉलेज में रिसाइड करता है। ये मिस्टीरियस जाइगेंटिक हीलिंग बर्ड है जो पर्शियन कल्चर में सिग्निफिकेंट प्रेजेंस रखता है। ईरानियन लेजेंड्स सिमुर्ग को एक एंशियंट मिथिकल क्रिएचर मानते हैं जिसने वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन को 3 times देखा है। इतनी बार दुनिया को बनते और बिगड़ते हुए देखने के कारण ही सिमुर्ग को ऑल एजेस की नॉलेज है। एक लेजेंड की माने तो अपने आप को फ्लेम्स में डालने से पहले सिमुर्ग 1700 सालों तक जिया, जिसके बाद उसने फिनिक्स की तरह अपने आप को एशेस में बदल लिया। ईरानियन सूफी पोइट फरीदुद्दीन अतर सिमुर्ग को किंग ऑफ दी बर्ड्स का टाइटल देते हैं। उनकी बर्ड्स के ऊपर एक पोएम में सिमुर्ग का मेंशन मिलता है, जिसके मुताबिक पूरी दुनिया के बर्ड्स एक बार अपने किंग को डिसाइड करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि उससे पहले उनका कोई किंग नहीं था। द वाइस बर्ड हुपो उन्हें लेजेंडरी सिमुर्ग को किंग ऑफ दी बर्ड्स बनाने की सलाह देता है, क्योंकि सिमुर्ग अपनी नॉलेज और विजडम के कारण पॉपुलर था, जिसे वेस्टर्न फिनिक्स के नाम से भी जाना जाता था। सभी बर्ड्स इसके लिए एग्री हो जाते हैं, पर 30 बर्ड्स इस बात से नाराज हो जाते हैं, जो एक तरह से एनलाइटनमेंट के पाथ में आने वाली डिफिकल्टीज को दिखाता है। तब हुपो बर्ड उन 30 बर्ड्स को सिमुर्ग के डवेलिंग प्लेस में ले जाता है, जहां पास ही में एक लेक प्रेजेंट होती है, जिसके पानी में खुद को देखने पर उन्हें अपनी जगह सिमुर्ग की रिफ्लेक्शन नजर आती है, जिसका मतलब था कि वो सभी एक ही हैं। इस ट्रुथ को एनलाइटनमेंट की तरह देखा गया, जिसके बाद इन 30 बर्ड्स ने भी सिमुर्ग को किंग ऑफ दी बर्ड्स मान लिया। सिमुर्ग को लार्ज विंग्स, फिश स्केल्स और 30 कलर्स ऑफ विंग्स के साथ दिखाया जाता है। अकॉर्डिंग टू सम लेजेंड, सिमुर्ग इतना बड़ा था कि वो अपने पंजों में एक व्हेल या एलिफेंट को इजिली कैरी कर सकता था। ये बर्ड हीलिंग, लाइफ, रिबर्थ, डिविनिटी और विजडम को सिम्बोलाइज करता था, जो फिनिक्स बर्ड के साथ बहुत सारी सिमिलैरिटीज शेयर करता था, जैसे कि फ्लेम्स में बर्न होकर एशिस से एक बार फिर राइज हो जाना और डिविनिटी को सिम्बोलाइज करना एक्सेट्रा। कर्दिश फोकलोर और सूफी पोइट्री में सिमुर्ग के बहुत से किस्से, कहानियाँ और कविताएं मिलती हैं, जिनमें हीरोज इस बर्ड को हेल्प के लिए याद करते थे और वो ऐसे समय में उनकी हेल्प भी करता था अपने फेदर्स या मैजिकल पावर्स देकर। सिमुर्ग की मोस्ट फेमस अपीयरेंस फिरदौसी की फेमस एपिक शाहनेमा यानी बुक ऑफ किंग से मिलता है। अकॉर्डिंग टू शाहनेमा, किंग साम का बेटा जाल एक अल्बिनो था, यानी व्हाइट स्किन, व्हाइट हेयर और पिंक आईज। जब किंग ने अपने अल्बिनो सन को देखा तो उसे लगा कि ये शैतानों की औलाद है और ये उसके लिए मिस फॉर्चून लेकर आएगा, इसलिए वो उसे माउंटेन अल्ब्रोस छोड़ आए। उस छोटे बच्चे की चीखें नरम दिल सिमुर्ग के कानों में पड़ गई, जो इसी माउंटेन की पीक पर रहता था। उसने उस बच्चे को अपना लिया और उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगा। सिमुर्ग ने जाल को अपनी सारी नॉलेज दे दी, पर समय के साथ वो बड़ा हो गया और इंसानी दुनिया में जाने की जिद करने लगा। सिमुर्ग इससे दुखी तो हुआ, पर जाल की खुशी के लिए वो मान गया। उसने अपने 3 गोल्डन फेदर्स उसे प्रोटेक्शन के लिए दे दिए, ताकि वो जब भी मुश्किल में हो उसे जलाकर सिमुर्ग को हेल्प के लिए बुला सके। अपने किंगडम में वापस आने पर जाल को ब्यूटीफुल गर्ल रुडाबा से प्यार हो गया, जिन्होंने आपस में शादी कर ली और जल्दी ही वो जाल के बच्चों के साथ प्रेग्नेंट हो गई। पर डिलीवरी के समय रुडाबा की प्रेगनेंसी में दिक्कतें आने लगी। ये दिक्कतें इतनी ज्यादा बढ़ गई कि रुडाबा को मौत की तरफ ले जाने लगी, कि तभी जाल को सिमुर्ग की याद आई। उसने उसके पंख को जलाया और सिमुर्ग उसके सामने आ गया। सिमुर्ग ने सिजेरियम ऑपरेशन के जरिए जाल के बच्चे का सक्सेसफुल बर्थ करवाया, जो बाद में चलकर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्शियन हीरो रुस्तम बना। आज सिमुर्ग को पर्शियन माइथोलॉजी में ईरान के रिच कल्चर पास्ट के वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड सिंबल की तरह देखा जाता है। तो दोस्तों, ये था सिमुर्ग द लेजेंडरी पर्शियन बर्ड, जिसकी मिथिकल और मैजिकल अपीयरेंस ने एनलाइटनमेंट और विजडम का लेसन दिया। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सकें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।